दोस्तों, जैसा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में दुनिया के कई मुल्कों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब जैसा कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और रूसी सैनिक फिर से यूक्रेन के ओडिशा में मौत बरसा रहे हैं। अब दोस्तों, इसी बीच रूसी सैनिकों से एक बड़ी गलती हो गई है। खबरों की माने तो रूसी सैनिकों ने ओडिशा शहर में मौजूद चीनी वाणिज्य दूतावास को निशाने पर ले लिया। अब रूसी सैनिकों की इस गलती का खामियाजा रूस और चीन के रिश्तों को उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि रूस की यह गलती चीन के साथ रिश्ते में दरार पैदा करेगी। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 4 महीने में ऐसा कई बार हो चुका है जब रूस और चीन के रिश्ते में खटास आई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक चीनी दूतावास हमले को लेकर रूस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। खबरों की माने तो ओडिशा में हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब दोस्तों, क्या है पूरा मामला उसे जानते हैं। तो खबरों की माने तो 20 जुलाई को रूसी मिसाइलों ने ओडिशा पर हमला बोला था। आपको बता दें कि ओडिशा यूक्रेन का रिहायशी इलाका है और इसी इलाके में चीन का वाणिज्यिक दूतावास भी मौजूद है और यहीं पर रूसी हमले में चीनी दूतावास क्षतिग्रस्त हो गया। और इस बात का खुलासा यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी ने किया है। ओलेक्सी ने कहा है कि 19 जुलाई को भी रूस ने हमला किया था जिसमें 60,000 टन यूक्रेनी अनाज नष्ट हो गए और इन्हीं अनाजों का कुछ हिस्सा चीन को भी भेजना था। हालांकि रूस के पूरे घटनाक्रम पर चीन करीब से नजर बनाए हुए हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई रूस ने चीनी दूतावास पर हमला किया है या इसके पीछे भी नाटो या यूक्रेन का हाथ हो सकता है? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अब यूक्रेन में कुछ ऐसा हो गया है जिससे नाटो देशों में बवाल मच गया है। दरअसल अमेरिका से यूक्रेन भेजे गए कई सैन्य हथियार अपराधियों के हाथ लग गए हैं। यही नहीं, अब ये हथियार यूक्रेन के ब्लैक मार्केट में भी बेचे जा रहे हैं और इसका खुलासा सबसे पहले अमेरिकी खोजी पत्रकार ने इस साल की शुरुआत में ही कर दिया था। तब उन्होंने बताया था कि पश्चिम को पता है कि उसने यूक्रेन को जो हथियार आपूर्ति की है वो ब्लैक मार्केट में बेची जा रही है। और अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी अमेरिकी हथियारों को ब्लैक मार्केट में बेचे जाने की पुष्टि कर दी है। अब पेंटागन की रिपोर्ट के हवाले से अमेरिकी मिलिट्री न्यूज ने दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिकों के लिए पश्चिमी देशों से मिले कुछ हथियारों और उपकरणों को पिछले साल तस्करों, अपराधियों, वॉलंटियर फाइटर्स ने चुरा लिए थे। और अब अमेरिका के इस खुलासे से नाटो देशों में हड़कंप मच गया है। यानी कि दोस्तों, अब जो हथियार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हैं, अब वही हथियार यूक्रेन के ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद नाटो देशों में बवाल मच गया है।